फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मैक्रम के टॉवल हैंगर का एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बताने जा रही हूँ, जिसमें इसमें टॉवल को जो हैंग करना है वो बहुत ही आसान है। इसमें आप बहुत ही आसानी से टॉवल को हैंग कर सकते हैं और ये यहाँ पे 360 डिग्री रोटेट होता है। ये बहुत ईजी है और एक नया सा डिज़ाइन है, नया लुक है, नया पैटर्न है, तो आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर मेरे वीडियोज़ को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही मुझे कमेंट करना ना भूलें और मुझे फेसबुक पेज पर ज़रूर फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिज़ाइन को बनाना। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक 2.5 इंच का गोल सा रिंग ऊपर लिया है और एक 6 इंच का गोल सा रिंग नीचे की तरफ लिया है। यहाँ मैंने 2 रिंग लिया है और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही मैक्रम लगाया। मुझे ग्रीन कलर का जो मैक्रम है वो एक कॉर्ड जो है वो यहाँ पे 3-3 मीटर का है, तो इस तरह से यहाँ पे 9 मीटर ग्रीन कलर का मैक्रम लगा है और यहाँ पे 6 कॉर्ड है व्हाइट कलर का, तो 2-2 मीटर का एक कॉर्ड लगा है, तो 14 मीटर यहाँ पे, सॉरी 12 मीटर के अराउंड यहाँ पे हमें मुझे, या 15 मीटर आप ले लें, 15 मीटर के अराउंड मुझे यहाँ पे ये व्हाइट कलर का मैक्रम लगा है। पिंक बीट्स 4 पीस लगा है और ऑरेंज 12 पीस यहाँ पे ऑरेंज बीट्स लगा है और 2 बेल्स चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिजाइन को बनाना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 4 कॉर्ड लिया है और सारे कॉर्ड को हमने यहाँ पे 2.5-2.5 मीटर में कट किया है। अब इस कॉर्ड के ऊपर हम, इस कॉर्ड से हम 2 टाइम्स, एक बार ऊपर की तरफ और एक बार नीचे की तरफ, एक बार ऊपर की तरफ और एक बार नीचे की तरफ, इस तरह से लगा लेंगे डिजाइन। इधर भी हम सेम कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंटर का 2 कॉर्ड लेंगे और उसको इस तरह से रख लेंगे। अब इस कॉर्ड को हम इस तरफ ले आएंगे और इसको हम इस तरह से ले आएंगे और दोनों कॉर्ड को इस तरह से हम खींच लेंगे। अब हम फिर से इस कॉर्ड पे से एक बार ऊपर की तरफ, एक बार नीचे की तरफ, एक बार ऊपर की तरफ और एक बार नीचे की तरफ 2 बार लेंगे और इसमें भी सेम ऐसा ही कर लेंगे। एक बार ऊपर की तरफ से, एक बार नीचे की तरफ से, एक बार ऊपर की तरफ से और एक बार नीचे की तरफ से 2 बार लेंगे। फिर से दोनों कॉर्ड को इस तरह से रखेंगे और इसको हम नीचे की तरफ से लाएंगे। नीचे की तरफ से ला करके दोनों कॉर्ड को लेते हुए हम इस तरह खींच लेंगे। इसको भी सेम ऐसा ही करेंगे, इसको भी हम इस तरह से करके खींच लेंगे और अब दोनों ऊपर वाले कॉर्ड को इस तरह से खींच लेंगे।
इसी तरह से हम दोनों तरफ बना लेंगे, इस तरफ भी हम सेम ऐसा ही डिजाइन बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इधर भी बना लिया है, इधर 1 2 3 4 5 लाइन डिजाइन बना लिया है। अब यहाँ पे सेंटर का 2 कॉर्ड लेंगे, उसमें एक मोती लगा लेंगे और एक नॉट लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पे दोनों डिजाइन को इस तरह से, पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। इसको कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे डिजाइन बन गया है। अब हम इसको इस तरह से जोड़ेंगे, तो इसको यहाँ पे जोड़, यहाँ पे हम पाइपिंग करेंगे, 4 कॉर्ड लेंगे और 1.5 मीटर में 4 कॉर्ड को कट करना है। इसको इसमें हम इंसर्ट कर लेंगे इस तरह से। सिक्स कॉर्ड, 6 कॉर्ड अटैच कर लेंगे। इस तरह से ये एक लाइन हो गया। अब हम यहाँ पे 2 नॉट के बीच में, अब हम इसको बैक साइड ले जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे नीचे का 2 कॉर्ड छोड़ देंगे और ग्रीन वाले कॉर्ड के ऊपर, ऊपर की तरफ से नीचे के कॉर्ड लेंगे और ऊपर की तरफ इसको पाइपिंग करते जाना है। व्हाइट वाले कॉर्ड को भी ले लेंगे। थ्री ही कॉर्ड हमें देंगे और 3 कॉर्ड को हम यहाँ पे इसको कट करके और स्टिक कर लेंगे। इधर भी 3 कॉर्ड को कट करके स्टिक कर लेना है। वाले कॉर्ड को एक बार बाहर की तरफ, एक बार अंदर की तरफ, एक बार बाहर की तरफ, एक बार अंदर की तरफ और एक बार बाहर की तरफ 5 टाइम्स डिजाइन लेना है। ऊपर वाले कॉर्ड में एक मोती लगाना है और इस तरह से पाइपिंग कर लेना है।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दोनों तरफ 4-4 डिजाइन हो गया है। अब सेंटर के दो कॉर्ड में हम यहाँ एक मोती लगा लेंगे। इसके ऊपर हम लेफ्ट वाले कॉर्ड से लेफ्ट वाले किधर और राइट वाले कॉर्ड से राइट वाले साइड की तरफ हम सारे कॉर्ड को पाइपिंग करके निकाल लेंगे। बैक साइड ले जाते हैं। ये 4 कॉर्ड छोड़ देंगे। ये देखिए, नीचे का 2 ग्रीन और 2 व्हाइट कॉर्ड, और बाकी सारे कॉर्ड को एक दूसरे के ऊपर पाइपिंग करके और कट करके स्टिक कर लेना है, चिपका लेना है, काट करके चिपका लेना है। फोर टाइम्स नॉट लगा लेंगे और यहाँ पे हम 6 इंच के गोल से रिंग को रखेंगे और ये दोनों कॉर्ड को हम ग्रीन वाले दोनों कॉर्ड को ग्रीन के बीच साइड से पीछे की तरफ निकाल लेंगे। और अब हम दोनों ग्रीन कलर के कॉर्ड को खींचेंगे। अब यहाँ से खींचेंगे तो ये कॉर्ड लेंगे 1-1 मीटर का और दोनों कॉर्ड को बहुत अच्छे से इसको मेल्ट कर लेंगे और इसको हम यहाँ पे दोनों कॉर्ड को चिपका लेंगे और अच्छे से दबा देंगे ताकि चिपक जाए आपस में। अब हम इसे
पिन करेंगे। ऊपर की तरफ पाइपिंग करने के लिए सबसे पहले हम छोटा छोटा कॉर्ड लेंगे और व्हाइट कलर का कॉर्ड लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले पाइपिंग करेंगे। यहाँ पे हम दो बार दो नॉट लगा लेंगे, एक बार ऊपर की तरफ से, एक बार नीचे की तरफ से, फिर एक बार ऊपर की तरफ से, फिर एक बार नीचे की तरफ से, टू टाइम्स लगाएंगे। फिर इसी कॉर्ड को घुमाते हुए इधर ले आएंगे और यहाँ से लेकर के हम इसको यहाँ तक पाइपिंग कर लेंगे। अब एक बड़ा सा कॉर्ड लेंगे 1 मीटर के लगभग का, इसको मेल्ट करेंगे और यहाँ पे चिपका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये बहुत ही सुंदर और इजी सा, बहुत यूनिक सा डिज़ाइन, एक बिल्कुल एक नया पैटर्न का टॉवल हैंगर का डिज़ाइन बना करके तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो और बनाने का तरीका अच्छा लगे, जरूर मेरे वीडियोस को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही मुझे फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप ज़रूर फॉलो करें। अनिसाज लाइफ स्टाइल इंस्टाग्राम पर मेरा आईडी है, आप उसे ज़रूर फॉलो करें। Thank you for watching me. Have a nice day. Take care and bye-bye.